में करीब 2.5 लाख वकील हड़ताल पर हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में हुए हंगामे को लेकर यूपी में भी वकील गुस्से में हैं और पुलिस के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाराबंकी में वकीलों ने जज के साथ मारपीट की, साथ ही जज के अर्दली और गनर को भी पीटा। इस मामले में जज संदीप जैन ने एसपी से मुलाकात करके उन्हें तहरीर दी है। वहीं प्रतापगढ़ में अधिवक्ताओं का आक्रोश देखने को मिला, वकीलों ने पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हरदोई में वकीलों ने दिल्ली पुलिस का पुतला फूंका और कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने पुलिस वालों को बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली पुलिस का जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई चल रही है हम लोगों के विरुद्ध, के विरोध में हम लोगों ने ये मार्च किया है, पुतला दहन किया है और उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं इनके कृत्य की और अधिवक्ता हितों की सुरक्षा की मांग करते हैं। चित्रकूट में न्यायिक काम बंद करके वकीलों ने अपना विरोध जताया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग की। बलरामपुर में भी वकील हड़ताल पर रहे और उन्होंने जमकर हंगामा किया। दिल्ली में हुए हंगामे के बाद से वकील शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।